हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आए हैं मेटल चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को। इससे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और शुरू से अंत तक आपका अध्ययन करेंगे तो आगामी आने वाले एग्ज़ाम में आपका बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत ही ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मेटल चैप्टर से बहुत ही क्वेश्चन रहते हैं, इसलिए इसको शुरू से अंत तक आप लोग अध्ययन करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग अध्ययन करेंगे ही। तो चलिए आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, 0.83 से कम कार्बन वाले प्लेन कार्बन स्टील का सामान्य कठोर तापक्रम निम्न में से होता है। तो ऊपरी चरम रेंज से नीचे, बी ऊपरी चरम रेंज से ऊपर, सी निचले चरम रेंज से नीचे, डी निचले चरम रेंज से ऊपर। तो इसका आंसर सी होगा, निचले चरम रेंज से नीचे। क्वेश्चन नंबर दो, चित्र में एक धातु की चिंगारी जांच की जा रही है जिसमें घर्षण पहिए के समीप चमकदार चिंगारियां हैं जो पंख के समान द्वितीयक शाखाओं में हो जाते हैं। धातु का नाम क्या है? ढलवा लोहा, उच्च गति लोहा, उच्च कार्बन लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका आंसर सी, उच्च कार्बन लोहा है। क्वेश्चन नंबर तीन, आयरन अयस्क पिघलाने से तैयार धातु का नाम है पिग आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। तो इसका आंसर है पिग आयरन। क्वेश्चन नंबर चार, पिग आयरन में निम्नलिखित में से किस रेंज में कार्बन पाई जाती है? 0.05 से 1.4%, 0.9 से 1.4%, 1.7 से 2.2%, 3 से 5%। तो इसका आंसर डी, 3 से 5% होगा। क्वेश्चन नंबर पाँच, लैंप बल्बों के फिलामेंट्स की धातु होती है निकिल, क्रोमियम, टंगस्टन, टीन। तो इसका आंसर सी, टंगस्टन। क्वेश्चन नंबर पाँच छः, ड्यूरेलमिन और हिंडोलियम एलाइड्स में 95% होता है कॉपर, जिंक, लेड, अल्मोनियम। तो इसका आंसर डी, अल्मोनियम होगा। क्वेश्चन नंबर सात, मूंज मेटल डाइस का एक एला है कॉपर और जिंक का, कार्बन और टीन का, कॉपर और अल्मोनियम, कॉपर और निकिल। तो इसका आंसर ए, कॉपर और जिंक का एक एला है। क्वेश्चन नंबर आठ, मोनल मेटल में होते हैं निकिल और अल्मोनियम, निकिल और कॉपर, निकिल और क्रोमियम, निकिल और जिंक। तो इसका आंसर बी, निकिल और कॉपर होगा। क्वेश्चन नंबर नाइन, हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है टंगस्टन, क्रोमियम, वेनेडियम, निकिल। तो इसका आंसर ए, टंगस्टन होगा। क्वेश्चन नंबर दस, हाई स्पीड स्टील के बने टूल में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.75 से 1%, 1% 1 से 2%, 0.60 से 0.75%, 0.20 से 0.30%। इसका आंसर ए, 0.75 से 1%। क्रेन हुक्स की धातु होती है रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन, कास्ट स्टील, कास्ट आयरन। इसका आंसर ए, रॉट आयरन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस धातु में कार्बन की मात्रा कम होती है? प्लेन कार्बन स्टील, रॉट आयरन, पिग आयरन और कास्ट आयरन। तो इसमें इसका आंसर बी, का रॉट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, हेमेटाइट अयस्क है एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, जस्ता। इसका आंसर सी, लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14, लौह अयस्क में सबसे अधिक लोहे की मात्रा होती है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट्स। इसका आंसर बी, मैग्नेटाइट होगा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लास्ट भट्टी से प्राप्त आयरन कहलाता है पिग आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, एला स्टील। इसका आंसर ए, पिग आयरन होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, कास्ट आयरन का उत्पादन इस भट्टी में किया जाता है, कोपला, ब्लास्ट भट्टी, आयल फर्नेस, साधारण भट्टी। तो इसका आंसर ए, कोपला फर्नेस होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लास्ट भट्टी का नाम ब्लास्ट भट्टी इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन वायु दी जाती है, इसमें गर्म वायु दी जाती है, इसमें गर्म पानी भेजा जाता है, इसमें धमाकों की आवाज़ होती है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए, इसमें गर्म वायु दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, इसे गैस द्वारा वेल्ड नहीं किया जा सकता है, कास्ट आयरन, पीतल, सोना, स्टील। इसका आंसर ए, कास्ट आयरन है। क्वेश्चन नंबर 19, यह आयरन की सबसे शुद्ध अवस्था है, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रॉट आयरन, स्टील। इसका आंसर सी, रॉट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 20, इसका उत्पादन पुडलिंग भट्टी में किया जाता है, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील। इसका आंसर सी, रॉट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यह आयरन रिवेट्स और चदरें बनाने में प्रयुक्त होता है, रिवेट्स और चदरें बनाने में प्रयुक्त होता है, ए, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, स्टील। इसका आंसर बी, रॉट आयरन होगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसकी चुंबकीय शक्ति अन्य लौह धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिग आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ए, पिटवा लोहा होगा। क्वेश्चन नंबर 23, इस स्टील का उपयोग कटिंग टूल बनाने में होता है, टंगस्टन स्टील, मैग्नीज स्टील, क्रोमियम स्टील, निकिल स्टील। इसका आंसर ए, टंगस्टन स्टील होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसका उपयोग संचालक सेल बनाने में होता है, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, सीसा। इसका आंसर डी, सीसा यानी लेड होगा। क्वेश्चन नंबर 25, बियरिंग बुश को बनाने के लिए किस अलौह एलॉय का प्रयोग किया जाता है, कास्ट, फॉस्फर, ब्रॉन्ज, लीडेड गनमेटल, निम्न टीन ब्रॉन्ज, ड्राउन फॉस्फर ब्रॉन्ज। इसका आंसर ए, कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 25, बियरिंग बुश को बनाने के लिए किस अलौह एलॉय का प्रयोग किया जाता है, कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज, लीडेड गनमेटल, निम्न टीन ब्रॉन्ज, ड्राउन फॉस्फर ब्रॉन्ज। इसका आंसर ए, कास्ट फॉस्फर ब्रॉन्ज। क्वेश्चन नंबर 26, वाटर हीटिंग उपकरण के लिए बड़े पैमाने पर किस अलौ धातु का प्रयोग किया जाता है, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन। इसका आंसर ए, तांबा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में कौन सा अलौ मिश्र धातु है, एल्युमिनियम, तांबा, सीसा, पीतल। इसका आंसर डी, पीतल होगा। निकिल इस्पात का उपयोग है दैनिक उपयोग के बर्तन, भाड़े, हजामत का ब्लेड आदि बनाने के लिए काम में लाया जाता है, यथार्थता मापन उपकरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, बर्मा, आनी, खराद औजार आदि कर्तन औजार बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, शल्य उपकरण के निर्माण के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी, यथार्थता मापन उपकरण बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से लेड का प्रयोग किया जाता है, प्राइमर पेंट बनाने के लिए, फूड कंटेनर में कोटिंग के लिए, हॉट स्टैम्पिंग के लिए, सफिंग स्टील पर कोटिंग के लिए। इसका आंसर ए, प्राइमर पेंट बनाने के लिए लेड का प्रयोग किया जाता है। एक फर्नेस जिसका प्रयोग पिग आयरन को दोबारा पिघलाकर कास्ट आयरन बनाने के लिए किया जाता है, कोपला, पिग आयरन, रॉट आयरन, उपरोक्त सभी। इसका आंसर ए, कोपला फर्नेस। सीमेंटेड कार्बाइड टूल की हॉट हार्डनेस होती है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 820 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसका आंसर ए, 1000 सेंटीग्रेड से 1000 सेंटीग्रेड तक होगा। निम्न में से कौन सा खनिज कुचालक का उदाहरण नहीं है, अब्रक, संगमरमर, स्लेट, पोर्सलिन। इसका आंसर डी, पोर्सलिन होगा। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता। इसका आंसर सी, एल्युमिनियम होगा। ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत
होता है 4% से 8% तक, 1% से 8% तक, 2% से 4% तक, 8% से 10% तक, यानी इसका आंसर सी 2% से 4% तक। एल्युमिनियम का गलनांक होता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, 658 डिग्री सेंटीग्रेड, 230 डिग्री सेंटीग्रेड, 568 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इसका आंसर भी 658 डिग्री सेंटीग्रेड। हीटर के एलिमेंट बनते हैं सोने से, नैक्रोम तार से, चांदी से, तांबे के तार से, इसका आंसर बी नैक्रोम तार से होगा। क्वेश्चन नंबर 37, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाया जाता है, जैसा कि पीछे भी आप लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा है, तो इसका आंसर ए टंगस्टन होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वह अलौ धातु जो नाभिकीय विकिरण का अच्छा कुचालक है, सीसा, रबड़, अम्बरक, बैकेलाइट, इसका आंसर ए सीसा होगा। क्वेश्चन नंबर 39, तांबे का गलनांक है 658 डिग्री सेंटीग्रेड, 1084 डिग्री सेंटीग्रेड, 1250 डिग्री सेंटीग्रेड, 785 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका आंसर बी 1084 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। क्वेश्चन नंबर 40, प्रकृति में धातुओं के यौगिक किस रूप में उपलब्ध रहते हैं, अयस्क, मिश्रण, तत्व, उपरोक्त सभी, इसका आंसर ए अयस्क होगा। ब्रॉन्ज मिश्रण है लेड व टीन का, जिंक व लेड का, कॉपर व टीन का, कॉपर व लेड का, इसका आंसर सी कॉपर व टीन का। क्वेश्चन नंबर 42, गन मेटल संबंधित है कॉपर, जिंक एवं टीन से, कॉपर लोहा एवं लेड से, लेड लोहा व स्टील से, जिंक सोना व लोहे से, इसका आंसर ए कॉपर, जिंक एवं टीन से होगा। रॉट आयरन का उत्पादन होता है, क्वेश्चन नंबर 43, रॉट आयरन का उत्पादन होता है पिग आयरन द्वारा पुडलिंग विधि से, कास्ट आयरन द्वारा ओपर हर्थ विधि से, कास्ट आयरन द्वारा पुडलिंग विधि से, पिग आयरन द्वारा ओपन हर्थ विधि से, इसका आंसर ए पिग आयरन द्वारा पुडलिंग विधि से होगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सी सबसे हल्की धातु है, टीन, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड, इसका आंसर सी एल्युमिनियम होगा। पुडलिंग फर्नेस का मुख्य उत्पादन है कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कोल्ड रोल्ड स्टील, हॉट रोल्ड स्टील, इसका आंसर बी रॉट आयरन होगा। तो ये टोटल 45 क्वेश्चन दिया गया है और आप लोग शुरू से अंत तक देखेंगे और इसको लाइक, सब्सक्राइब और डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको अच्छा नहीं लगे वो डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।